दिनेश जी, पॉलिटिक्स, आजमगढ़, निरहुआ, तीनों एक अद्भुत संगम है। आपने इस किरदार को बखूबी जो है जिया भी है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। जी, अभी भी आप आजमगढ़ में लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपने तमाम, मुझे लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है। मैं आगे कभी चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मैं पॉलिटिक्स में रहूं या ना रहूं, पर अगर मैं वहां चुनाव लड़ने गया था और 360,000 लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, 360,000 मुझे वोट मिले आजमगढ़ में गठबंधन के बावजूद, तो मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है कि कम से कम ये जो 5 साल है, ये 5 साल तो मैं उनके बीच में रहूं और उनकी जो भी समस्याएं हैं वो मैं सुनूं। क्योंकि मुझे पता है, और मैं ये चुनाव से पहले भी कहता था, कि जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूं वो तो आपको देखने नहीं आएंगे, क्योंकि बड़े नेता हैं, उनके पास समय होगा भी। और ये झूठ भी नहीं था, उनके पास टाइम है भी नहीं आजमगढ़ के लिए। तो मुझे पता था कि मुझे समय देना पड़ेगा आजमगढ़ में, तो मैं दे रहा हूँ। मैं महीने में 2 बार आजमगढ़ जाता हूँ। आजमगढ़ में मेरी 10-15 लोगों की टीम काम कर रही है हर विधानसभा में, और वहाँ की जो भी समस्याएं होती है वो मुझ तक आती है, और मैं जो भी विभाग है, जो भी मंत्री हैं, जो भी अधिकारी हैं या मुख्यमंत्री जी, सबके पास वो चीज़ मैं पहुँचाता हूँ। और मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं ये भी कहता हूँ कि जब आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे समय में अगर आजमगढ़ के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो बाद में अगर मैं जीत भी जाऊं तो मैं वहां कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है जो मैं कर सकता हूं वो भी कर सकता हूं, इसलिए मैं वहां लगा रहता हूं।